उसको लेके गए थे बरगी तक गए थे और बरगी से लौट के फिर बाईपास गए। पूरी योजना किसने बनाई थी? पूरी योजना सब दिक्कत में थी, हमको भी काम में नुकसान हो गया था, वो बंदे के पास में भी नहीं थे। पर कप्पू ने बताया, बोले एक दिन बोले एक लड़का है, बोले उसके लिए मतलब लेते हैं उठाते हैं तो बोले 10-15 लाख रुपए उससे मिल सकता है। उस चक्कर में फिर बनाई, 15 दिन पहले बनाई थी, बाकी फिर वो आ नहीं जाता। कल आया तो बताया कप्पू ने, बोले आया फिर उसको उठा के लेके गए। जानते कैसे थे उसको? वो कपिल जानता था, कपिल जानता रहा मैंने। अच्छा, मारे कैसे उसको, क्यों मारे? वो पहचानता रहा कपिल को, कपिल का दोस्त था तो वो आके बता देता वापस कि किस कौन लेके गया था। उन लोगों ने अपहरण करने के बाद ही सोच लिया था मारने का उसको। तो कारण क्या था मारने का? वो पहचानता ना, आके बता देता कि भाई ये लेके गए थे। अच्छा ये बताओ, अपहरण करने के पहले ये डिसाइड हो गया था कि इसको मारना है, या अपने सरपंच ऐसे बने कि मारना पड़ा? दोनों थी सर। पहले तो ये सोचे थे कि मुंह में कपड़ा बांधेंगे और उसको ले जाएंगे और फिर बाद में छोड़ देंगे। फिर बाद में ये हुआ कि बैठने तैयार नहीं हुआ, जब फिर गमछा हटाए तब फिर बैठा भी, और फिर उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि मारना पड़ेगा। तो पता था आपको विकलांग है, फिर भी आपने मारा। ये बताओ कि इसके अलावा और कोई वजह थी, पैसे के अलावा और कोई वजह थी? पैसे, ओनली पैसे की। कभी कौन? कुछ नहीं, वो सिर्फ प्लानिंग ही हुई थी कि पैसे की सबको दिक्कत थी, तो इसलिए उसको देखा। मैंने बताया भैया को कि ऐसा ऐसा है, तो भैया से मैंने बताया कि एक लड़का है कि उससे पैसे की व्यवस्था हो सकती है, तो भैया ने कहा ठीक है बता, फिर फॉलो करके बताओ अपना काम का कैसा है क्या है, फिर हमको वॉच करके बताओ। हमने वॉच करके बताया तो वो 15 दिन से चल रही थी हम लोगों की प्लानिंग, तो 10 दिन से वो आ नहीं रहा था, तो अचानक से वो आ गया कल ही के दिन। तो कल अचानक के दिन हमको दिख गया, तो पीछे ट्रेन में वो बैठा, आगे वाले डिब्बे में मैं बैठा था। बस आगे वाले डिब्बे से उतर के मैं पीछे वाले डिब्बे आया और चाय पीने के लिए उधर उतरा, तो वो भी चाय पीने लगा, तो चाय पीने के बहाने बस नहीं। तो उसको लेके कैसे गए तुम लोग? उठा के जबरदस्ती उठा? नहीं, जबरदस्ती नहीं, उससे कहा के, उससे वो कहा के चलो अपन ड्रिंक करते हैं जी वो, तो उससे पर चलता था। हां, कभी तुम्हारी उससे पुरानी जान पहचान है जी? कैसे पहचाने ये सर? वो मोहल्ले ही में रहते थे, हमारे सामने ही आमने रहते थे, तो उससे। अच्छा,
एक ऐसी बात भी सामने आ रही जो आप बोल नहीं सकते, इस घटना के पीछे वो भी एक कारण था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। को काफी गंभीरता से लिया, तत्काल उसमें टीम गठित की गई, लाटगंज में सुनने पर प्रकरण कायम किया गया, चूंकि घटनास्थल उसमें तय नहीं था, और साइबर सेल और बाकी जो पूरी टीम है, इसमें सीएसपी कोतवाली, उसमें टीआई लाटगंज बीपी शर्मा और बाकी उनकी टीम के साथ एक मजबूत टीम बना करके इसमें कार्रवाई शुरू की गई। इसमें लगातार पुलिस के प्रयास से रात को न सिर्फ सारे उसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया, बल्कि पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर लिया गया। इस घटनाक्रम का जो मुख्य कारण था, उसमें घटनाक्रम के जो मुख्य आरोपी और जो घटना से जो पीड़ित व्यक्ति है, दोनों गोटे गांव के रहने वाले हैं, और वहां से उसको षड्यंत्र पूर्वक उसको यहां लाया गया, और यहां के तीन स्थानीय लोगों की मदद से, यानी कुल चार लोगों ने उस युवक की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद इन्होंने ये प्लान किया कि अब चूंकि हत्या हो चुकी है तो इसको भुनाते हुए हम पैसे भी ले सकते हैं, और उस पैसे को लेने के बजाय इन्होंने फिर फोन करके और उसको पैसे की बात शुरू की, और बाद में पैसे के लिए भी इन लोगों ने कई तरीके से रणनीति बनाई, अलग अलग जगहों पे उसे बुलाया, अकेले बाद लास्ट मोमेंट में इसको अकेले बुलाया गया जो मृतक के पिता को, और वहां जाने के बाद पुलिस चूंकि पूरे मौके पर एक एक पल की खबर रख रही थी, उसने जब रिक्शा सेज के पिता जब पैसा लेकर के पहुंचे और दो जो हमलावर थे, दो जो इसमें अपराधी हैं, वो मुंह पे कपड़ा बांध करके तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए उन्होंने उस बैग को छीनकर भागने की कोशिश की, उस दौरान वहां आसपास जो लगा हुआ पुलिस बल था, उस पुलिस बल ने उनको दबोच लिया और इनको पकड़ा गया। इनसे बाकी जो दो अन्य हमलावर थे, जो दो अन्य अपहरणकर्ता थे, उनकी पहचान की गई, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको भी पकड़ लिया गया। अभी चारों जो आरोपी हैं वो पुलिस के हिरासत में हैं। रकम रिकवर कर ली गई, और उसमें सबसे खास बात ये रही कि जब घटनाक्रम जिस तेजी से बहुत ही कम समय था और जिस तेजी से ये लोग आए, और उसमें इनका कोई क्लू नहीं था, कोई पहले से कोई इनके बारे में सूचना नहीं थी, और अंतिम समय में पुलिस की विशेष तौर पे उन जवानों को हम पुरस्कृत कर रहे हैं जिन्होंने जान जोखिम में डाल के, इनके पास एक पिस्टल मिली है, इनके पास छह कारतूसें मिली हैं, सभी के पास चाकू थे, और इनका प्लान था कि पैसे लेकर के भाग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हत्या कर चुके थे, इसके बाद बिल्कुल सारे सबूत खत्म हो जाते और कुछ पता नहीं चलता। जब ये तेजी के साथ मोटरसाइकिल पर आते हुए सबके मुंह बंधे हुए थे, पैसे लेकर भागने की फिराक में थे, उस दौरान वहां से पहले से ही जो मुस्तैद पुलिसकर्मी थे, जिसमें सहायक उप निरीक्षक टेक चंद शर्मा, राम जी, उसमें राजेश पटेल, राम स्नेही शर्मा, रामलाल और तेज राम, ये मुख्य तौर पे इनकी रहे। इसके अलावा जो उप निरीक्षक बीपी शर्मा है, सभी लोगों की काफी अच्छी भूमिका रही। जो सीएसपी स्क्वाड है उसके जो सारे मेंबर्स थे उनकी काफी अच्छी भूमिका रही। सभी लोगों ने जान जोखिम में डालते हुए बड़े ही मुस्तैदी और वीरता के साथ उनको न सिर्फ पीछा करके पकड़ा, बल्कि एक घंटे के अंदर उसके बाद के अगले कुछ घंटों में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। मुख्य आरोपी के बहन से कोई संबंध का मामला सामने आ रहा है, मुख्य वजह क्या रही? इसमें घटना में दो ऐसे कारण उभर के सामने आए हैं, एक तो कुछ ऐसी बात सामने आई है, संबंधों की भी बात सामने आई है, और दूसरा कुछ पैसे के लेन देन की भी बात सामने आई है। स्पेशली जो मुख्य आरोपी है और जो मृतक, दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, गोटे गांव के, दोनों एक दूसरे के परिचित हैं। ऐसे में जो वो व्यक्ति ले गया तो ये तो तय था कि वो अपहरण के लिए नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जानता था, छूटने के बाद पैसा लेने के बाद निश्चित तौर से उसकी भी पहचान जाहिर होती, तो ये हत्या के उद्देश्य से उसको लाए। वहां से लाने के पहले इन्होंने पहले ट्रेन का इस्तेमाल किया, उसके साथ उसको गुड फेथ में लेकर आए। जो व्यक्ति था, युवक था, उस युवक की यहीं पे जानकी रमन कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, यहाँ पे उसको यहाँ लेकर के आए। दूसरी टीम चूंकि इस पूरे मामले को करने के लिए अकेले फायर नहीं कर पाता, उसने तीन स्थानीय लोगों की मदद ली, और तीनों वो पैरेलल गाड़ी से अपने जो उनके पास कार थी उस कार से वो यहाँ आए, और आने के साथ ही उस युवक को बताया गया कि चलना है और हमारे पास कार है, उसे हम छोड़ देते हैं, उसे धोखे में रख के ले गए, और ले जाने के बाद फिर उसको तिलवाड़ा के आगे बरगी थाने का जो क्षेत्र आता है उस इलाके में ले गए, भेड़ाघाट से बाईपास के पास में, और उसमें ले जाने के बाद फिर इन्होंने हत्या की, और हत्या के बाद पूरा ये इन्होंने षड्यंत्र रचा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि घटना करने के साथ ही आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, और जिसमें बचे हुए जो भी इतनी कड़ियां थी उनका खुलासा हो गया। इसमें कार भी जब्त की जा चुकी है, इसमें जो मोटरसाइकिल जो मिली थी जब्त हो चुकी है, इसमें जो इनके पास आग्नेयास्त्र थे, इनके पास जो हथियार थे, वो सारे जब्त हो चुके हैं, और सारे आरोपी भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। ये उस दौरान सामने आई है जब पुलिस के जवान, चूंकि जो अपहरण करता थे उनको उनसे मिलने का एकमात्र पॉइंट था कि वो पैसा जब दे सकते हैं, ट्रांजेक्शन होगा, उस दौरान अपहरणकर्ताओं ने बड़े ही
सूझबूझ से इनको चार पांच जगहों पे बुलाया। एक जगह पे जब इनके पिता पहुंचते थे तो उसके बाद जगह बदल देते थे, अलग अलग जगहों पे करते, अंतिम जगह पे जहां उन्होंने बुलाया वहां रिक्शा से आने की बात की कि अकेले आना है, रिक्शे से आना है। वहां पहुंचने के बाद इन लोगों ने अचानक, दो जो कि वॉच कर रहे थे, उन्होंने उनकी पहचान पूछी मोबाइल पे, और पहचान पूछने के साथ ही दो तेजी से मोटरसाइकिल से आए और वो बैग को छीन करके भागने की फिराक में थे कि वहां से निकल जाए। फिर इनका इसके बाद इनको पैसे भी मिल जाते, इनकी जो मंसूबे थे वो भी कामयाब हो जाते और फिर इनका कोई सबूत पीछे नहीं छूटता। क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने पल पल पर नजर रखी थी और पुलिस के जवान मुस्तैद थे, इन्होंने बड़े ही एक दमखम से, बड़े ही उत्साह के साथ, साहस के साथ उन्होंने पीछा किया, इनको रंगे हाथ पकड़ा और साथ ही फिर बाकी कड़ियां भी इसके साथ ही। ये पूरे घटनाक्रम अगर देखें तो पुलिस ने मात्र 3 से 4 घंटों में पूरे मामले का न सिर्फ मिलने के साथ ही खुलासा कर दिया, अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, पूरे मामले का पटाक्षेप। इसमें हत्या जो है, इन लोगों जब फिरौती के पैसे ले देने गए हैं उसके लगभग 3 घंटा पहले हत्या हो चुकी थी। पुलिस को सूचना कितने बजे मिली? सूचना इन लोगों ने शाम को दिया है, शाम को जब पुलिस मिलने के साथ उसमें ये अपहरणकर्ता शाम को इन्होंने रिपोर्ट जब की है उसके बाद से पुलिस रही। लेकिन इसमें यह पता नहीं था, फोन जो आ रहा था उस लड़के के मोबाइल से आ रहा था, फोन जो तेमेसा उसमें चालू नहीं थे, पता नहीं था कि कौन लोग हैं। और इसमें इसका उद्देश्य सिर्फ फिरौती के लिए उद्देश्य नहीं था, इसका घटनाक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह हत्या करना था। और हत्या करने के लिए करने, क्योंकि जो व्यक्ति थे वो परिचित व्यक्ति थे और उसका उद्देश्य हत्या करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर हत्या के साथ साथ हो सकता है और फायदा हो जाए, और उन्होंने उस मौके का फायदा उठाते हुए फिर पैसे भी लेने की बात की। इसमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं जी। इसने बाकी लोगों को ये मामला फिरौती का है, लेकिन उसका अंतिम मकसद हत्या का, ये बात नहीं लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही सही है, उसका जो मुख्य उद्देश्य था हत्या करता है, क्योंकि वो जानता था कोई भी व्यक्ति अपने परिचित जिसके साथ तो 24 घंटे रह रहा है, जो उसका पड़ोसी है, उसका अपहरण करके पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर छूटेगा व्यक्ति तो तुरंत अगले ही क्षण उसकी पहचान उजागर होगी। और इस पूरे घटनाक्रम में उसने घटना से पैसे लेने से पहले, जबकि पैसे की बात हो गई, किसी तरफ पहुंचने की बात हो गई थी, उस घटनाक्रम से लगभग 3 घंटा पहले ऑलरेडी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। और उस हत्या करने के बाद इन लोगों ने फिर सोचा कि इस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया था, इसमें हम पैसे भी ले लें, तो मुख्य उद्देश्य इनकी हत्या करना था, परिस्थिति का फायदा उठाते हुए इन्होंने पैसे भी लेने की बात सोची थी। इतनी देर हुई, हो सकता था कि उसकी जान बच सकती थी, यदि गोटेगांव की पुलिस आपको इत्तला करती और उस दरमियान आप लोग संज्ञान में लेते मामले को, तो शायद मामला बच सकता, मतलब वो बच सकता था। और उसमें अब क्यों नहीं, उसमें जब हमारे पास सूचना आई उसके बाद से अगले क्षण से, जिस क्षण से इन लोगों ने सूचना दी उसको तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, साइबर सेल को तुरंत बुलाया गया, इसमें तत्काल जितने जुड़े हुए लोग हैं पूरी टीम गठित की गई, अगले 5-7 मिनट के अंदर पुलिस सक्रिय हो गई और कुछ घंटों में पकड़ लिया गया। अगर पुलिस सक्रिय नहीं होती तो इसमें पैसे लेकर के फिरौती करके बिना सुराग छोड़े अपराधी फरार हो सकते थे। लेकिन क्या गोटेगांव पुलिस यदि आपको पहले सूचित कर देती, क्या उन्होंने सूचना नहीं दी क्या गोटेगांव पुलिस ने? अब उस बिंदु पे देखेंगे, अगर उसमें अगर इन्होंने सूचना दी है और नहीं करेंगे तो उस इशू पे भी सोचेंगे। कुछ घंटों में पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ, सारे आरोपी पकड़ लिए गए, सारे इसमें जो भी साक्ष्य हैं वो सारे किए जा चुके हैं और इस घटनाक्रम से जुड़ी सारी कड़ियां खुल चुकी हैं। गाड़ी